उनकी दुआ की बरकत है कि जमीन के अंदर अल्लाह की खास रहमत बरकत रहती है।
एक बात बताइए कि अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो जिसमें हर लैंग्वेज की पढ़ाई की जाती है, क्या हर लैंग्वेज की, इंसान जो भी पढ़ना चाहे, जो भी सीखना चाहे, उस कॉलेज के अंदर जाएगा तो उसे वो तालीम मिल जाएगी। और एक ऐसा कॉलेज है जहाँ कुछ लैंग्वेज आदमी सीख सकता है, कुछ स्टडी कर सकता है, पूरा नहीं पढ़ सकता, जो भी चाहेगा वो नहीं पढ़ पाएगा, बल्कि कुछ चीजें हैं, लेकिन एक ऐसा कॉलेज है वहां जाने से सभी जो है कि फैसिलिटी और तमाम चीज की सहूलतें और तमाम पढ़ाई वहां पर मिल जाएगी। तो इंसान कहाँ जाना चाहेगा, किसमें, उसमें जाना चाहेगा ना जिसमें सारी सहूलतें हैं मेरे दोस्तों। तो जब उसके अंदर वो जाएगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो जो सीखना चाहेगा, जो पढ़ना चाहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी तालीम उसे मिल जाएगी। Gracias.
एक बागीचे से गुजर रहे थे और उन्हें बहुत तेज भूख लगी हुई थी और उन्हें एक नदी के किनारे पर थे और बहुत भूख बहुत भूख की तरफ ला रही थी। तो आपने जब कुछ नहीं आपको खाने को मिला तो नदी में बहता हुआ एक सेब आ रहा था। सेब मुख्यतः समाज क्या है, उस सेब को आपने भूख की शिद्दत से उठाया और खा लिया। खाने के फौरन बाद आपके जहन में यह ख्याल आया कि यह सेब किसका था, कहां से आया, कैसा था। हमने तो खा लिया लेकिन इसकी हकीकत क्या है कि इसे तलाश करना पड़ेगा। फौरन वो दरिया के किनारे किनारे चलने लगे और चलते चलते बागीचे में पहुंचे जो बागीचा सेब का था। तो सोचा कि ये बागीचा सेब का है, जाहिर है किसी बागीचे से वो सेब बह करके पानी में जा रहा था जो हमने खाया। वो बागीचे में पहुंच के देखते हैं कि उसका मालिक कौन है। मालिक को तलाश करके पकड़ते हैं और कहते हैं, हुजूर हमसे गलती हो गई, मैं उसकी माफी करवाना चाहता हूँ, या तो माफ फरमाए या तो आप उस चीज की कीमत ले लें। बोले क्या चीज, बोले कि आपके बागीचे का एक सेब पानी में बहता हुआ जा रहा था और मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, मैंने उस सेब को खा लिया। तो हुजूर ऐसा करिए, आप उस सेब की कीमत ले लीजिए या माफ फरमा दीजिए। तो वो बुजुर्ग थे, वो वली अल्लाह थे, उन्होंने सोचा कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है जो सेब खा करके उसकी कीमत में देने आया। क्यों भाई, सेब खाया आदमी गायब हो गया, किसका था, कहां से था, कैसा था, क्या जरूरत है। वो तो आज के दौर में मौलाना आजाद नक्शी के मुरीदों का यह हाल है कि कोई चीज अगर वो खाते हैं तो पहले उसे टेस्ट ही करते हैं, कहां से आया, किसका है, कैसा है। आज बताओ अगर हमको एक सेब खा ले और कोई आदमी कहे कि 12 साल उनको हमारे चेले की रखवाली करनी पड़ेगी, कहेंगे आप कैसा आदमी है, जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर। एक सेब की कीमत 12 साल रखवाली होती है, कितनी मजदूरी होती है, कितनी कीमत। लेकिन नहीं, ये उसूल है शरीयत का, ये उसूल है इस्लाम का कि जब हमने कोई जुर्म किया, जब हमने कोई काम ऐसा कर दिया तो वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है वो हमें छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, ठीक है उनको हम 12 साल तक आपके बागीचे की रखवाली करेंगे। 12 साल का जमाना गुजर गया, बोले हुजूर अब तो हो गया, बोले नहीं अभी भी नहीं हुआ। बोले तब, बोले मेरे पास एक लड़की है जो आंख की अंधी है, जो पैर की लंगड़ी है, जो हाथ की रूढ़ी है, जो जबान की भूमी है, कान की बहरी भी है, कितने खराबियां हैं उसके अंदर, तुमको उससे निकाह करना, तब जाकर के हम तुम्हें छोड़ेंगे। बुजुर्ग ठीक है, ये भी कबूल कर लिया, निकाह हो गया। निकाह हो गया, निकाह के बाद जब अपनी बीवी के दरवाजे की तरफ गए और दरवाजे पे दस्तक दी तो कुंडली खुल गई, कुंडली खुल गई। आप अंदर जाते हुए कहा, सलाम वालेकुम, जवाब मिला, वालेकुम सलाम, फौरन पलट आए, बाप के पास हाजिर हुए, बोले हुजूर आपने मेरे साथ इंसाफ के खिलाफ काम किया और आपने झूठ कहा। बोले क्या झूठ कहा, बोले आपने कहा कि आपकी बेटी लूली है और लंगड़ी है, अगर वो लूली और लंगड़ी होती तो वो दरवाजे की कुंडली को कैसे खोलती, ठीक है। और बोले अंधी आपने कहा और पहली कहा और क्या कहा, गूंगी कहा, अगर अंधी और पहली होती तो वो कैसे देखती दरवाजे की कुंडली कहा है, और अगर वो पहली होती तो हमारे सलाम का, हमारे सलाम को कैसे सुनती, और अगर वो भूमि होती तो हमारे सलाम का जवाब कैसे देती। ये तो झूठ कहा आपने। बोले सुनो, वो क्या है अपाहिज, क्या आपकी लूली इसलिए है कि उसने क्या अपने हाथ से कभी गैर नया कोई सामान नहीं दिया और न लिया। एक बार लूल वो पैर की लगी इसलिए है कि घर की दहलीज को उसने कभी पार नहीं किया, ठीक है। बैल इसलिए है कि गैर मर्द की आवाज उसके कानों तक आज तक नहीं पहुंची। आपकी अंधी यह है कि गैर मर्द को उसने आज तक कभी नहीं देखा और वो
माँ ने कभी गैर मर्द को देखा नहीं था, बोला नहीं था, सुना नहीं था, अपने हाथ से दिया नहीं था, लिया नहीं था। बाप का हाल क्या था? एक सेब खाकर 12 साल का पुरानी बधाई थी। तो ये दोनों का आदर तो इतना तनाव का होगा था, उसी तकरीर का सत्ता था कि मौके हाथम मिले। लोगों के
साथ अच्छा व्यवहार, लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात और इन तमाम चीजों जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने की हमें कोशिश करने का प्रकार हो। हम आज ही